स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू चैप्टर सर्कल. लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कल. सो द पॉइंट्स आर डेफिनेशन ऑफ सर्कल, पोजिशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, सर्कुलर डिस्क, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, arc of circle, length of circle and central angles. So these points in the circle we are going to study today the following points. First is the definition of circle. Second is the position of points with respect to a circle. And third point are circle head points is circular disc. Fourth point is concentric circle. Fifth point is arc of circle. Sixth point is length of an arc. And last point, seven, is the central angle. Now let's see the definition of circle. So student, definition of circle is a circle is a collection of those points in a plane that are at a given distance from a given fixed point in the plane. Means, अगर जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट, हमको ये फिक्स पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट से अगर हम कांस्टेंट डिस्टेंस पर सभी पॉइंट इसके चारों तरफ ले लें और उन सबको हम ज्वाइन कर दें तो जो हमें ये शेप मिलता है वो क्या होता है, सर्कल होता है. जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये सर्कल है. इस सर्कल पर आप कहीं भी पॉइंट आप लीजिए, इसके बाउंड्री पर कहीं भी पॉइंट लेते हैं और उसको इस पॉइंट से उसके बीच का जो डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा. तो ये सभी डिस्टेंस क्या होते हैं, अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट से उस पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ये कहलाता है सेंटर ऑफ सर्कल एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल. So the circle is represented by C in bracket O comma R. Here O is the center of circle and R is the radius. Now the next point. Next point is the position of points with respect to a circle. मतलब कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, सर्कल के अंदर कौन से पॉइंट है और सर्कल पर कौन से पॉइंट है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है और इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम किस बेस पर इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम देखते हैं. जैसे अगर हमने एक पॉइंट लिया इस सर्कल के आउटर में, ये पॉइंट पी है और यहाँ पर जो सेंटर है अगर हम इसको डिनोट कर दिए ओ से, तो OP मीन्स जो इस, अगर हम बात करें कि रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल अगर हम ले लें स्मॉल r, तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो OP इज ग्रेटर देन r. इफ OP इज ग्रेटर देन r मीन्स कि जो ये पॉइंट है, पॉइंट से और सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो रेडियस से ग्रेटर है, इट मीन दिस पॉइंट लाई इन आउटसाइड ऑफ द सर्कल. एंड सेकेंड पॉइंट, इफ वी टेक पॉइंट पी लाइक दिस, ओपी इज लेस देन स्मॉल आर, मीन्स कि जो डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट पी के बीच का वो अगर रेडियस से कम है तो वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, सर्कल के अंदर लाई करेगा. तो हम उसे कहते हैं इनसाइड पॉइंट विच इज इनसाइड इन द सर्कल. इफ थर्ड कंडीशन ऑफ दिस इज इफ ओपी इज इक्वल टू आर, मीन्स कि पॉइंट से सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर रेडियस के इक्वल होता है तो वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सर्कल की जो बाउंड्री है उस पर लाई करेगा. तो हम कहते हैं कि पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द सर्कुलर डिस्क.
So what is the circular disc? The circular disc is the collection of all points lying inside and on the circle is called the circular disc with center O and radius R. अगर हम बात करें जो यहाँ पर ये सर्कल दिया गया है, इसका सेंटर O है और रेडियस मीन्स यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें, इसका रेडियस R है, तो ये इसका जो इसे हम कब सर्कुलर डिस्क कहेंगे, जब इसके सभी पॉइंट इन साइड के सभी पॉइंट और ऑन द सर्कल, सर्कल पर जितने पॉइंट हैं सभी का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, सर्कुलर डिस्क कहलाता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल? सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट विथ डिफरेंट रेडियाई आर सेड टू बी द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. मीन्स अगर हम कहें कि जैसे एक हमने एक सर्कल एक फिक्स पॉइंट लिया, इस फिक्स पॉइंट को सेंटर मान करके हमने कोई एक दूसरा एक सर्कल ड्रा किया, फिर इसके बाद इसी को सेंटर मान करके कोई दूसरा सर्कल हमने ड्रा किया, और सर्कल ड्रा करने के बाद हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट सर्कल है उसका रेडियाई आर वन है और सेकेंड का जो रेडियस है वो क्या है, आर टू है. तो इस प्रकार है कि आर वन इज लेस देन आर टू, मतलब कि इनके जो रेडियस हैं वो डिफरेंट हैं बट सेंटर क्या है, सेम है. तो ये दोनों सर्कल क्या कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं, जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिया गया है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज आर्क ऑफ है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज आर्क ऑफ अ सर्कल. सो डेफिनेशन ऑफ आर्क इज द अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क. मतलब कि जैसे एक सर्कल, अगर ऐसे एक सर्कल ऐसे ड्रा किया गया है, इसके हम टू पॉइंट ले लें, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू. यहां पर पॉइंट पी हमने लिया और ये हो गया पॉइंट पी. अगर यहां से इसको हम कट करके अलग कर दें, कट करेंगे तो ये एक हो जाएगा पार्ट और ये दूसरा पार्ट हो जाएगा. तो ये जो पीस है, पीस ऑफ सर्कल, ये क्या है, आर कहलाता है. अब पीस ये भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. तो जो इसका छोटा पीस होगा, जैसे यहां पर आप ध्यान से देखो पी क्यू है, ये यहां से यहां तक का जो ये छोटा पीस है ये क्या कहलाता है, माइनर आर्क कहलाता है. और जो ये इसका बड़ा पीस है जिसका लेंथ ग्रेटर आर्क का, वो क्या है, मेजर आर्क है. इसे हम कहेंगे मेजर आर्क पी क्यू और इसे कहेंगे माइनर आर्क पी क्यू. सो देयर आर टू पीसेस, वन इज लॉन्गर एंड द अदर इज स्मॉल. सो लॉन्गर वन इज कॉल्ड द मेजर आर्क पी क्यू एंड द शॉर्टर वन इज कॉल्ड द माइनर आर्क पी क्यू. The minor arc PQ is also denoted by this symbol. इस सिंबल से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. And the major arc PQ also can be represented by this symbol, right? Where R is some points on the arc between P and Q. जो ये R है, ये कुछ पॉइंट है जो P और Q के बीच में है. So next point is सेंट्रल एंगल. सो व्हाट इज द सेंट्रल एंगल? तो स्टूडेंट हम इस फिगर के थ्रू सेंट्रल एंगल को समझते हैं. हम क्या करते हैं, हम इस फिगर के थ्रू सेंट्रल एंगल को समझते हैं. सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, उस सर्कल ड्रा करने के बाद उसका सेंटर हम ए ले लिए, मान लेते हैं उसका सेंटर क्या है, ए है. और उस सर्कल पर हमने दो पॉइंट लिया, एक पॉइंट सी और एक पॉइंट बी ले लिया. अब पॉइंट ए से पॉइंट बी को ज्वाइन किया और पॉइंट ए से पॉइंट सी को ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन करने के बाद हमने क्या देखा कि बी ए सी एंगल बी ए सी फॉर्म होता है. ज्वाइन करने के बाद हमको कौन सा एंगल फॉर्म होता है, बी ए सी फॉर्म होता है. दिस एंगल इज नोन एज सेंट्रल एंगल. तो ये सेंटर पर फॉर्म एंगल है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं. नाउ द क्लास वर्क. डियर स्टूडेंट Before start the solving this problem, you note down the concepts related to the given points which you have studied in this video. After that, you do this question which is given for you, which is based on the points which you have studied in this
video. Dear student, in this time you know that very well ki corona एक बीमारी जो इस समय बहुत तेज़ी से फैली हुई है, उसके प्रिवेंशन के लिए हम कुछ पॉइंट्स आपको बता दे रहे हैं. आप उस पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा. क्लीन योर हैंड्स ऑफ्टन, यूज सॉप एंड वाटर और एन एल्कोहल बेस्ड हैंड रब. मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एनी वन हु इज कफिंग आर स्नीजिंग. वियर अ मास्क व्हेन फिजिकल डिस्टेंसिंग इज नॉट पॉसिबल. And don't touch your eye, nose or mouth for your safety. Thank you so much.